हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने अपना पहला केस कंप्लीट कर लिया। पहले केस के अंदर हम लोगों ने बच्चे देखा कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, यानी देने वाला एक सिंगल पार्टनर है और गारंटी मिलने वाला भी एक सिंगल पार्टनर का है। मगर अब हम लोग अपने दूसरे केस की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उस दूसरे केस के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एक से अधिक पार्टनर अब किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देंगे, यानी गारंटी देने वाले एक से अधिक होंगे। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, और जिसे गारंटी देंगे वो एक शख्स होगा। मैंने लास्ट क्लास में उसे लिखा भी दिया था मगर फिर भी मैं टॉपिक डाल रहा हूं यहां पर। तो दूसरे नंबर का हम लोग टॉपिक यहां पर करने जा रहे हैं। आप सारे मेरे साथ देखेंगे, समझेंगे। जब मैं लिखा रहा हूं तो आप नोटिंग कर सकते हैं, जब मैं समझाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ सुनने पर ध्यान देंगे आप लोग। तो सेकंड केस के अंदर आप सबको याद आता होगा बच्चे, जिसमें हम लोगों ने किया था यहां पर व्हेन अ फर्म, और फर्म मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मोर देन वन पार्टनर gives guarantee to a partner, यानी एक पार्टनर को कई सारे पार्टनर मिलकर के गारंटी दे रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं बना सकता हूं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने एग्जाम्पल बनाया था, जैसे मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल लिख दूं मैं अब आपको, ए बी और सी आर पार्टनर्स, और बच्चे मैं यहां पर लिख रहा हूं इन रेशियो, फिर मैं आसान करने के लिए 1:1:1 ही लिख रहा हूं, यानी दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस। कुछ भी हो सकता है, 1:1:1 में बस सिर्फ आसान करने के लिए यहां पर बना रहा हूं, कोई और रेशियोस भी एग्जाम में दे सकता है आपको। उसके बाद कुछ डिटेल और मैं दे देता हूं यहां पर, ए एंड बी गिव्स गारंटी टू सी, गिव्स गारंटी टू सी दैट His total profit from the firm will not be less than ₹10,000। बस तो जैसे पिछली बार क्वेश्चंस मैंने आपको थोड़ा सा कराया था बच्चे, आप देख सकते हैं यहां पर भी बिल्कुल उसी तरीके का एक एग्जांपल और मैंने बना दिया। अब आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, कुछ और डिटेल्स दे दें ताकि हम लोग को यहां पर टोटल डिटेल मिल जाए और पूरा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाए यहां पर। ओके, आइए मैं यहां पर अब लिख रहा हूं कुछ और डिटेल्स इस क्वेश्चन के अंदर। फर्म जो प्रॉफिट कमा रही हो, फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीस, इस बार मैं फिर वही कर दूं, 30,000 यहां पर कर दिया मैंने, और मैं इंटरेस्ट, इस बार मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देता हूं, एक दूसरा दे देता हूं कोई अप्रोप्रिएशंस मैं ऐसे दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चंस कंप्लीट तरीके से समझ आ जाए। मान लीजिए यहां पर मैं दे रहा हूं यहां पर, दैट इज बीज कमीशन इज रुपीज 2,000, और ए की मैं सैलरी दे देता हूं यहां पर इज रुपीज 3,000। बस अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चे, आप देख सकते हैं यहां पर दिस इज ए बी सी पार्टनर्स हैं 1:1:1 के रेशियोज में, ए और बी गारंटी दे रहे हैं। किसको गारंटी दे रहे हैं? मिस्टर सी को गारंटी दे रहे हैं कि भैया सी तुम्हारी प्रॉफिट नहीं होगी कम, कितने से कम नहीं होगी, 10,000 से कम नहीं होगी, और 10,000 से अगर कम हुई तो कौन उसकी भरपाई करेगा? इस बार ए और बी दोनों करेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों ने मिलकर के गारंटी दी है। पिछले बार हम लोगों ने जो किया था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए ने सी को गारंटी दी थी, तो पूरी जिम्मेदारी उस डेफिशिएंसी को मीट करने की ए की थी, मगर यहां पर ए और बी दोनों मिलकर के अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो मीट करेंगे। ओके, फर्म अर्न कर लिया प्रॉफिट, बाकी सारी डिटेल्स बिल्कुल पहले जैसे ही हैं 30,000 के, और कुछ अप्रोप्रिएशंस भी मैंने डाल दिया क्वेश्चंस के अंदर ताकि पीएनएल अप्रोप्रिएशंस बनाऊं तो आपको पूरी तरीके से समझ आए। अब बच्चे जैसे ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएगा तो आपके मन में कुछ प्रश्न आएंगे, लेकिन वो प्रश्न आए उससे पहले नॉर्मल तरीके से ही मैं इसका सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जहां मन में डाउट आएगा वहां मैं आपको रोकूंगा।
तो चलिए आइए मेरे साथ और इसको सॉल्व करना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब यहां पर वापस से मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये तो अब तक आपको एकदम प्रैक्टिस हो गया होगा, वेल प्रैक्टिस्ड आप हो गए होंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशंस बनाने में। अब ऐसा हो गया होगा कि आप आंख बंद करके पीएनएल अप्रोप्रिएशंस बना ले, मगर एग्जाम में भी ऐसा मत करना कि आंख बंद करके ही चले जाना। ओके, आइए अब यहां पर हम लोग क्या लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पहले स्टार्ट करते थे, दिस इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 30,000 यहां पर हम लोगों ने लिख दिया। ओके सर, सिंपल है, कुछ अप्रोप्रिएशंस दिए हैं, हाँ दिए हैं, तो वो अप्रोप्रिएशन सबसे पहले लिख दो। तो टू कमीशन हम लोगों ने दिया है यहाँ पर, और कमीशन हम लोग किसको दे रहे हैं, सिर्फ बी को दे रहे हैं। फिर टू सैलरी हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, और सैलरी हम किसको दे रहे हैं, मिस्टर ए को सैलरी दे रहे हैं। चलिए अमाउंट फटाफट बढ़ दे, बी को कमीशन हम लोग दे रहे थे आई थिंक, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जो हम लोगों ने फ्रेम किया है यहाँ पर, 2000 और बी को कमीशन था 2000 और ए को सैलरी थी 3000, बस यही ला करके अपने अप्रोप्रिएशन पे हम लोग भरेंगे। ए को कमीशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2000 और सैलरी थी यहाँ पर 3000। ओके, बिल्कुल देख रहे होंगे कोई फर्क नहीं कर रहा हूं मैं बनाने में, क्वेश्चंस को जैसे नॉर्मल तरीके से बनाते थे उसी तरीके से, ठीक है। और कोई कमीशन या कुछ है नहीं, तो अब सीधे प्रॉफिट बांटने की प्रक्रिया होगी। आइए मैं प्रॉफिट बांट देता हूं फटाफट। प्रॉफिट कैसे बटेगा, तीनों पार्टनर में जो बचा हुआ प्रॉफिट है बच्चे एकदम बराबर 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 हम लोग बांट देंगे, जैसे हम लोग आम क्वेश्चन में करते थे, नॉर्मल क्वेश्चन में जैसे हम लोग करते थे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किसको किसको हम लोग देंगे, तो ए कैपिटल में जाएगा, और थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखे ताकि एडजस्टमेंट हो सके, बी कैपिटल में जाएगा और यहां पर सी कैपिटल में जाएगा, बस नॉर्मल तरीके से ये। अब आप देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट बांटने के लिए कितना बचा बच्चे, हमारे पास 25,000 प्रॉफिट बचा है। तो 25,000 के प्रॉफिट को अगर हम लोग तीन भाग में बांट दें तो कुछ पॉइंट में आएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 8333 8333 और 8333, ये प्रॉफिट बच गई, बट गई तीनों पार्टनर्स के बीच में। लेकिन अब वही प्रश्न आएगा डेफिशिएंसी वाली, अब यहीं से पूरा खेल स्टार्ट है कि सर ठीक है चलिए स्टेप नंबर वन पूरा कर लिया हम लोगों ने, पीएनएल अप्रोप्रिएशंस को बना दिया और बनाने के बाद नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट भी बांट दिया हम लोगों ने, ठीक है सारा कुछ कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसके अंदर निकाल रहे हैं बच्चे डेफिशिएंसी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी, आप डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर लें, और उसके बाद डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के बाद वही सारे प्रोसेस हम लोग पूरा करेंगे डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी के नियम वही हैं बिल्कुल। किसके लिए हम लोग डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, फोर सी, सी के लिए हम निकाल रहे हैं। चलो बताओ सी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट है बच्चे उसका 8333, लेकिन जो वादा किया था वो कितना था, वादा वाला प्रॉफिट बताइए यानी गारंटेड प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट कितना है, दैट इज 10,000, बस जो कमी आएगी वही इसकी डेफिशिएंसी होगी। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चे, डेफिशिएंसी हम लोग चेक करते हैं फटाफट, 10,000 में से अगर आप निकाल देंगे इसे तो ये डेफिशिएंसी आ गई 1667, ये डेफिशिएंसी आ गई एकदम नॉर्मल आप देख सकते हैं। अब यहीं पर आकर के आपके मन में डाउट आ गया, यहीं से क्वेश्चन बदल गया। अब सोचिए बच्चे अगर ये कोई एक पार्टनर ने गारंटी दी होती तो ये समस्या नहीं आती, ये 1667 वो एक पार्टनर अपने खाते से कटवा देता और इस डेफिशिएंसी का जो 1667 है जो कम पड़ रहा है मिस्टर सी में वो जाकर के जुड़ जाता। ये तो क्लियर है कि सी को 1667 मिलेगा, लेकिन इस बार कोई एक पार्टनर नहीं ये 1667 देगा, अब दो पार्टनर देंगे। अब यहां से सवाल उठेगा कि सर ये जो डेफिशिएंसी मीट करेंगे वो मीट करेंगे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों, लेकिन अब 1667 में कितना मिस्टर ए भरपाई करेगा और कितना मिस्टर बी भरपाई करेगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माइंड में आपके उत्पन्न होगा, और यही पूरी डिस्कशन करने का हम लोग को ध्यान में रखना है, इस कंसेप्ट को यहीं आकर के हम लोग को डिस्कस करना है कि जो डेफिशिएंसी होगी वो जिन पार्टनर्स ने दिया था गारंटी वो आपस में किस
तरीके से बांटेंगे कि 1667 ला करके भैया सी को दिया जाए, यानी ये तो क्लियर है कि सी को ये 1667 मिलेगा। यहां देखिए अपने इस क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाएं तो ये बात क्लियर है बच्चे कि यहां ला करके तो मैं सी में प्लस 16667 करूंगा और इसे 10,000 बना दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बात आएगी कि सर आप ए और बी में से कितना कितना काटेंगे, वो डिस्कशन अब मैं नीचे कर रहा हूं। अब ध्यान से आपको देख करके चलना है और सुनना भी है बच्चे। दो ऑप्शन होगा इस 1667 में से, कितना ए लेकर के आएगा अपने खाते से कटवाएगा और कितना बी अपने खाते से कटवाएगा, उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अगर क्वेश्चन में खुद ही आपको दे दे कि इस डेफिशिएंसी को बियर करने का कोई अनुपात दे दे, क्वेश्चन खुद आपको कह देगा कि भैया जो 1667 है उसको 3:2 रेशियो में जो पार्टनर गारंटी दे रहा है आपस में बांट करके अपने खाते से कटवा लेंगे। एक तो ये ऑप्शन हो गया। नंबर टू ऑप्शन, अगर क्वेश्चंस के अंदर इस डेफिशिएंसी को आपस में बांटने का ए और बी के बीच में कोई अनुपात नहीं दिया हुआ है तो फिर जो ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग अनुपात है उस अनुपात में ये डेफिशिएंसी वो मीट करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए ये दोनों ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में बता दे कि भैया इस डेफिशिएंसी को ए और बी कितना कितना बांटेंगे उसका रेशियो बता दे तो उस रेशियोज में बांट लेंगे, और अगर क्वेश्चन ना बताए तो फिर जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 1:1:1 है तो ए और बी के बीच में 1:1 का रेशियो चल रहा है तो वो 1:1 के रेशियोज में इसको 1667 के डेफिशिएंसी को आपस में बांट करके अपने खाते से कटवा लेंगे। तो ये दो चीज है हम लोग को, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं डेफिशिएंसी मीट करने के लिए ऐसी कोई भी कहानी हम लोगों ने बच्चे नहीं लिखी थी। ये रहा आपके सामने पूरा क्वेश्चन। अब देखिए यहां कहीं नहीं क्वेश्चंस के अंदर बताया है हमने कि डेफिशिएंसी मीट किया जा सकता और इस रेशियो में किया जा सकता, कुछ नहीं बोला। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस डेफिशिएंसी को ए और बी अपने खाते से किस रेशियो में कटवा देंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में। ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में, इनके आपस में जो है 1:1, तो हम लोग 1:1 में ही इसको बांट लेंगे। तो चलिए आइए मैं इसको अब नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं और उसके बाद मैं नोटिंग भी लिखाऊंगा, फिर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। तो यहां पर हम लोग वर्किंग नोट 2 बना रहे हैं, दिस इज वर्किंग नोट 2, और मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी By among लिख लेते हैं, among A and B, A और B में बट जाएगा, among A and B। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आप कोई और भी टॉपिक डाल करके लिख सकते हैं, बस समझाने के लिए मैंने यहां पर ये लिख दिया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ये भी लिखेंगे तो चलेगा। अब 1667 का हमारे पास है तो A कितनी डेफिशिएंसी मीट करेगा और दो और B कितने डेफिशिएंसी मीट करेगा, तो हमारे पास है 1667 और दोनों क्योंकि अनुपात 1:1 है तो 1 और 1 जोड़ करके 2 हो गया, तो 1/2 ये कर लेगा और 1/2 ये कर लेगा। चलिए फटाफट कैलकुलेटर पे हम लोग अपनी 67 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया बच्चे 833.5। तो 833.5 आप चाहें तो इसे राउंड अप कर सकते हैं और ऐसे भी लिख करके छोड़ सकते हैं, 833.5। तो 833.5 मिस्टर ए बियर करेंगे और 833.5 मिस्टर बी बियर करेंगे, बस यही जाकर के डेफिशिएंसी इन दोनों के खातों से मैं यहां पर अब घटाने वाला हूं और फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। यहां देखिए मैंने यहां पर माइनस कर दिया मिस्टर ए से 833.5 और यहां भी मैंने माइनस कर दिया इनके खाते से 833.5, बस खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। चलिए अब इनका टोटल करें हम लोग, तो 833.3 माइनस 833.5 और ये आंसर आ रहा बच्चे 7499.5 और यहां भी वही आएगा 7499.5। आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, किसी एक को आप 80 बना लीजिएगा, सॉरी किसी एक को आप 7500 बना लीजिएगा और किसी एक को आप 7498 बना लीजिएगा तो भी चलेगा। ये अब आप देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपके सामने है। तो यहां बस एक ही चीज सीखनी थी कि ये जो डेफिशिएंसी है वो हम किस अनुपात में करेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा सी के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सी के लिए तो पूरा आकर के यहां पर जुड़ जाएगा, बाकी काम आप जानते हो, इसे टोटल कर लो। टोटल करने में तो आप मास्टर आप हो चुके हो, टोटल करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी।
और 30,000 का टोटल था बच्चे, 30,000 भर दीजिए आप यहां पर। अब आप फुल फ्रेम में एक बार इसे देखें, दिस इज योर फुल सॉल्यूशंस जो आपको समझना है, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, ये आप देखें। तो फिर से समझ ले, स्टेप नंबर वन में बिल्कुल पहले जैसा आप जैसे एप्रोप्रिएशंस बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आप डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे जैसा लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था। तीसरे नंबर पर अब ये जो बांटने वाला काम होगा ये आज की क्लास में आपने एक्स्ट्रा सीखा है कि सर ए और बी के बीच में ये डेफिशिएंसी, एक तरीके से ए और बी का नुकसान कैसे बियर करेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन आपको अनुपात बता सकता है। क्वेश्चन अनुपात नहीं बताया इसलिए हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उसे बांट देंगे। तो यहां पर क्योंकि हमारे दिए हुए एग्जांपल में ऐसा कुछ नहीं था तो डेफिशिएंसी हमने बांट दिया। बच्चे डेफिशिएंसी की एक स्पेलिंग आप अपनी चलाएंगे, आप फिर ये नहीं शिकायत करेंगे सर डेफिशिएंसी तो आप गलत लिख दिए, ठीक है आप अपनी स्पेलिंग चलाएंगे। चलिए आइए फटाफट आएंगे हम लोग और नीचे इसी नोट को लिखने वाले हैं नोट। अब आइए स्टूडेंट इन्हीं सारी बातों को जो अभी हम लोगों ने सीखा उसे स्टेप वाइज नोट कर ले। स्टेप सारे के सारे लगभग रिपीटेशंस हैं, बस डेफिशिएंसी के डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप इसमें बदल जाएगा। जैसे पहले केस में हम लोगों ने लिखा था स्टेप्स, इस केस में भी हम लोग स्टेप्स लिखने जा रहे हैं। आपको सिंपल ही लगेंगे और फिर भी लिख लेते हैं ताकि आपको सॉल्विंग में आसानी हो जाए। स्टेप्स और स्टेप नंबर वन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीधा वैसे ही फिर से लिख रहे हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन नॉर्मल मैनर, जैसे आप बनाते थे नॉर्मल मैनर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बच्चे सेकंड स्टेप पे आप क्या करते थे, प्रॉफिट बांट लेते थे, वो भी नॉर्मल मैनर में बांटते थे। तो यहां पर भी हम लोग वही लिखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैलकुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन नॉर्मल मैनर। नॉर्मल मैनर का मतलब यह है कि जैसा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस नॉर्मली क्वेश्चंस में करते हो वैसे ही करना है। तो दो स्टेप्स हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट कर लिया, लिख लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप्स आप सबको याद आता है बच्चे, थर्ड स्टेप्स पे हम लोगों ने कहा था कि हम लोग डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने का मैंने आपको पिछली बार ही वो फॉर्मूला लिखवा दिया। फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, ये प्रेजेंटेशन है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट रखते हैं उसमें से गारंटेड प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो अपने पास निकल के आ जाता है दैट इज डेफिशिएंसी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कैलकुलेट डेफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको समझाया था फर्स्ट केस में बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ओके, फोर्थ स्टेप पे आएंगे हम लोग बच्चे और ये है हम लोग का मेन स्टेप जिसको ध्यान देकर के चलना है। डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, अब डेफिशिएंसी बियर करेंगे और यहां पर दो पार्टनर है इसलिए दोनों पार्टनर बियर करेंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं इसलिए मैं यहां पर दो नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं ये लिख दूंगा टू और मोर देन टू पार्टनर्स या मोर देन वन पार्टनर्स आप लिख सकते हो। तो यहां मैं लिख रहा हूं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी विल बी डन, पूरे के पूरे स्टेप ध्यान से देख लीजिएगा आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, अमोंग पार्टनर, अब पार्टनर्स लिख देता हूं बच्चे मैं यहां पर, पार्टनर्स हु हैज गिवन गारंटी। किस तरीके से होगा, तो विल बी डन इन फॉलोइंग मैनर, फॉलोइंग मैनर। तो हम लोग अब इस तरीके से करेंगे बच्चे, देख सकते हैं आप सारे स्टेप। तो पूरा का पूरा फोकस अगर मैं आज कहूं, आज की अगर पूरी क्लास को मैं लेकर के आऊं तो पूरा का पूरा फोकस हम लोग का इसी पे था जो फोर्थ नंबर के स्टेप्स पे है। यहां पर वापस से आप आइए, मैं आप इसे हाईलाइट कर रहा हूं, फोर पर हम लोग फोकस करेंगे सारे लोग। तो हम लोग जो डेफिशिएंसी को बांटेंगे और जो पार्टनर उसे बियर करेंगे वो किस तरीके से करेंगे वो की पूरी कहानी है यहां पर। तो मैं सबसे पहले ए लिख रहा हूं क्योंकि दो तरीके से हो सकता है, नंबर वन ए मैंने लिख दिया। अब ए में क्या है बच्चे, अगर तो
कोई रेशियो दिया है, इफ एनी रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो फिर डेफिशिएंसी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच रेशियो. अगर इफ रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही पार्टनर के वो बांट देंगे. तो मैं यहां लिख रहा हूं ए, इफ एनी रेशियो टू डिस्ट्रीब्यूट सच डेफिशिएंसी. याद रखिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोल रहा मैं, उस डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई रेशियो, रेशियो टू डिस्ट्रीब्यूट सच डेफिशिएंसी इज गिवन इन क्वेश्चन, इज गिवन इन क्वेश्चन, देन डिस्ट्रीब्यूट सच डेफिशिएंसी इन गिवन रेशियो. बच्चे गिवन रेशियोज में कर देंगे हम लोग. लेकिन अब दूसरा आएगा केस नंबर बी इसी के अंदर, तो और करके मैं लिख रहा हूं, ये फोर का ए हो गया. और अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे सर, बताने के लिए तो बता चुका हूं बट फिर भी यहां पे लिख दे रहा हूं, इफ एनी रेशियो टू डिस्ट्रीब्यूट such deficiency is not given, is not given in question, एक एक नोट कॉपी करेंगे आप अच्छे से, पूरी नोट कॉपी बनाएंगे, then such deficiency will be distributed इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, या ऑफ की जगह मैं बिटवीन लिख रहा हूं यहां पर, बिटवीन पार्टनर्स, बिटवीन पार्टनर्स हू हैव गिवन गारंटी. बस खत्म. यानी अब इसका मतलब समझ लीजिए, इन दोनों का मैं आपको समझा दूं, ये दोनों पे फोकस करेंगे. लास्ट स्टेप जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, ये पूरा लास्ट स्टेप चौथे नंबर का आप देख सकते हैं एक फ्रेम में, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है. अगर तो वो रेशियोज दिया है, तो देखिए यहां पर मैं क्या लिखाया हूं, अगर रेशियोज दिया है सर तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस डेफिशिएंसी को उसी दिए हुए रेशियोज में अनुपात में, जो कि हम लोग एक क्वेश्चन आगे करके चलेंगे. बच्चे मैं यहां लिख भी रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 70 है इस पर आधारित, इलस्ट्रेशन नंबर 70 उसको हम लोग आज ही देखेंगे इस क्लास के अंदर. और अगर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो फिर हम लोग ऐसी परिस्थिति के अंदर, इफ रेशियो डिस्ट्रीब्यूट सच डेफिशिएंसी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, उस डेफिशिएंसी को विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज. बस और ये हम लोग देखेंगे, एक तो हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल किया वो भी था, और एक इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 73, इलस्ट्रेशन 73 इसे भी हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे. तो अब आप ये लास्ट स्टेप देख सकते हो, यही आज की क्लास का पूरा मान करके चलिए, तो समरी है जो हमें समझ करके चलना है, इसे आप अच्छे से नोट कर लें. फिर हम लोग अब इलस्ट्रेशन नंबर 73 डिस्कस करेंगे, फिर 70 डिस्कस करेंगे, और फिर आपके होमवर्क की बात करेंगे. पूरा मैं एक फ्रेम में ले लूं, अब ये है पूरा स्टेप्स, दिस इज, नोट कर लिए बच्चे, फिर हम लोग इलस्ट्रेशन 73 पढ़ते हैं. और क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के बाद, अब एक ऐसा इलस्ट्रेशन हम लोग पिक करने वाले हैं, एक ऐसा इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके सारे डाउट्स को खत्म कर देगा. सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पूछे गए, और सबसे मेजर जो अभी अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसके अंदर दो पार्टनर्स किसी एक पार्टनर को गारंटी देते दिख रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर है. तो मैं बोलूंगा एग्जामिनेशन से पहले सबसे अगर बेस्ट क्वेश्चन कोई गारंटी से रिलेटेड प्रैक्टिस करके आप जा सकते हैं, तो वो ये है जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं. आप सारे बच्चे देखें इलस्ट्रेशन नंबर 73 को, और इसे मैं रीड भी करूंगा, सॉल्व भी करूंगा, और एक एक लाइन पर पूरा का पूरा डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो चलिए स्टूडेंट, इसको फटाफट हम लोग स्टार्ट करें और रीड करें. क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 73? कह रहा मोली, भोला एंड राज
वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:3:4। बच्चे अभी तक आपने ये देख करके आपको आदत हो गई होगी, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, इनके पार्टनरशिप डीड में कुछ बता रहा बच्चे क्या है, वही सारी बातें होंगी। कुछ अप्रोप्रिएशन दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को पहले ही पता है कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कह रहा बच्चे 12% से, ये भी हम लोग को पता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसके अंदर दे रहा है कितने परसेंट से, दैट इज एट द रेट 6% पर इनम। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत डिस्कशन के लिए हो। आगे चल रहे हम लोग, कह रहा मोली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4000। याद रखिएगा मोली को 4000 सैलरी दी जा रही है, ओके, और एनुअल है ये। भोला वॉज अलाउड अ कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट एज सोन बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट मिला उसी पर दे देना है, तो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर हम लोग को निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद से कह रहा है राज वॉज गारंटेड, यस, अब हम लोग को समझने वाली बात है बच्चे, राज वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 150,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यस, ये हम लोग को ध्यान देकर के चलना है, जो कि गारंटी वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। राज को गारंटी मिला है बच्चे कितने का, कि कम से कम उनको कितना मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा प्रॉफिट। इस लाइन को पढ़ने के बाद बच्चे आप मुझे बताइए, क्या आपको पता चला कि राज को जो गारंटी मिली है 1.5 लाख रुपए की, ये किसने दी है? ये बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर मेंटेन ही नहीं करके दिया हुआ है। पार्टनर्स तो तीन है बच्चे, मोली, भोला एंड राज, मगर राज को गारंटी मिली लेकिन किसने दी है क्लियर ही नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या हम लोग मान करके चलेंगे, ऐसे स्थिति में हम लोग मान करके चलेंगे कि मोली और भोला दोनों ने मिलकर के राज को गारंटी दिया है कि भैया राज तुम्हारा प्रॉफिट 1.5 लाख से कम नहीं होगा। अभी अभी हम लोगों ने ऐसा ही कुछ किया था जिसमें दो पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी देते दिख रहे हैं, ठीक है। समस्या यहां नहीं है, समस्या इस बात पर आएगी कि सर अगर ये नहीं पूरा हुआ और डेफिशिएंसी आ गई तो मोली और भोला किस रेशियो में आपस में वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर अगर कुछ बताता है तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोगों ने समझ करके रखा है सर प्रॉफिट शेयरिंग में बांट देंगे। आइए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बच्चे देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वेयर मोली का है 5 लाख, भोला का है दैट इज 8 लाख एंड राज का है 4 लाख। लेकिन बच्चे एक बात और पे ध्यान रखिएगा, यहां क्वेश्चंस के अंदर कह रहा है कि इनके फिक्स्ड कैपिटल है। आपको पता है जब भी क्वेश्चंस में फिक्स्ड कैपिटल दे दे आपको सारे एंट्रीज जो होते हैं जो कैपिटल में आप पहले भेजते थे वो करंट अकाउंट में भेजोगे, और फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या जाता है उसकी डिटेल चर्चा हम लोगों ने पहले करके रखी। देख रहे सारा कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में अकेले दे दिया, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके फुल कॉन्सेप्ट रिविजन के लिए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद से कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। मतलब भोला ने 1 अप्रैल 2016 को कोई लोन दिया है फर्म को, तो यानी इंटरेस्ट ऑन लोन का भी चक्कर आएगा इसके अंदर, ओके। चलिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन 3,06,000। यानी भोला के लोन पे अभी इंटरेस्ट नहीं घटाया गया है, और बिना वो इंटरेस्ट घटाए जो प्रॉफिट है बच्चे वो है आपका 3,06,000। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से अभी इंटरेस्ट घटाना बाकी है, ठीक है, वो भी हम लोग घटा लेंगे क्योंकि चार्ज घटाने के बाद के ही प्रॉफिट को लेकर के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है मैं बता भी नहीं सकता, बार बार बोलना पड़ रहा है मुझे, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि गारंटी के साथ साथ आपके पुराने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी ये क्वेश्चन रिवाइज करा रहा है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, कम से कम ये 6 या 8 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन निश्चित तौर पर है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, ओके। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और उसके बाद से कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मोली, भोला एंड राज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। और उसके बाद क्वेश्चन खुद ही आपको इतने बढ़िया तरीके से बोल दिया देयर करंट अकाउंट, यानी जो बच्चा भूल भी गया था कि करंट अकाउंट इसके अंदर बनाना है, क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया भैया करंट अकाउंट बनाइए एज्यूमिंग दैट भोला विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। लो भैया ड्रॉइंग की भी डिटेल आ गई, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। याद आ रहा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना सिखाया था और शॉर्टकट लगवाना सिखाया था एवरेज पीरियड मेथड, वो भी इसके अंदर डाल दिया। वही एक बच गया था कंसेप्ट, वो भी नहीं छोड़ा, वो भी सोचा बच्चे तो पूरे मेहनत करके आज पूछ डालो जितना पूछना। ये क्वेश्चन जिस भी एग्जामिनर ने बनाया होगा सोचो कितना मेहनत किया होगा, उसने कसम खा लिया होगा कि बच्चों को कुछ भी छोड़ना नहीं है, किसी एक कंसेप्ट पर क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो बच्चे कह रहा है भोला ने विड्रू किया 5,000 यहां पर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और मोली को कह रहा है विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। लो भैया सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके इस क्वेश्चन के अंदर दे दिया।
क्वेश्चन को मैंने एक बार थॉरली पढ़ भी लिया है, मगर आपको पता है कि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब मैं इसे सॉल्व कराऊंगा तो फिर एक एक लाइन इसका पढ़ते चलूंगा, बनाते चलूंगा। लेकिन क्वेश्चंस पे हम लोग को फोकस किस पर करके चलना बच्चे, वो गारंटी वाले पार्ट पर फोकस करके चलना है, जिसको मैंने यहां पर अंडरलाइन, जो मैं अभी यहां पर आपके सामने अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं, दिस वन, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर है। और पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप मुझे बताइए, क्या डेफिशिएंसी बियर करने की कोई रेशियो दिया क्वेश्चंस के अंदर? नहीं दिया। तो अगर बच्चे नहीं दिया ये डेफिशिएंसी बियर करने का रेशियो, तो अब आप बताइए मुझे, अगर कोई डेफिशिएंसी आता है तो मोली और भोला किस रेशियो में वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग में। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है? 3:3। इनका आपसी रेशियो 3:3 है। तीनों का तो 3:3:4 है, लेकिन मोली और भोला का आपस में क्या है? दैट इज 3:3। तो वो डेफिशिएंसी 3:3 में बांट लेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया बच्चे, अब मेरा काम है इसको सॉल्यूशंस करना और स्टेप वाइज इसको आपको समझा के चलना। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 73 में आपको बनाते भी चलूंगा और समझाते भी चलूंगा, लेकिन इसके लिए आप अपनी बुक जरूर खोल लें। बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 73 अपने सामने ओपन कर लें, ताकि जब मैं ये क्वेश्चंस कराऊं तो आपको वो क्वेश्चंस देखने में समझ आए। जिन बच्चों के पास अभी भी ये बुक नहीं है, वो मेरे एप्लीकेशन पे जा करके वहां से बुक की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर इसके बाद हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट की चर्चा करेंगे, और इन्हीं दोनों का रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन के अंदर है। तो बगल में मैं बना रहा हूं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये बिल्कुल साधारण तरीके से बनेगा, जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। मैं यहां लिख दूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एकदम जैसे आज तक आप पढ़ते आए हो, बिल्कुल मैं उसी तरीके से बनाऊंगा। गारंटी के भी केस में बच्चे, मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि नॉर्मल स्टेप वन में हम लोगों ने क्या सीखा था गारंटी के केस में, कि सबसे पहले नॉर्मल तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, वही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ चीजें जो फिक्स होती है वो मैं फटाफट यहां पर लिख दूं, जैसे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो यहां पर लिखा जाता है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते चलेंगे और इसके डिटेल भरते चलेंगे। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता चल रहा हूं बुक से, और आप भी अपने बुक से कोरिलेट करते रहेंगे। एक बार मैंने पहले क्वेश्चंस आपको पढ़ा रखा है। अब स्टूडेंट, इसके अंदर दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला जो डिटेल है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है बच्चे 5% से। तो आइए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है आपका अप्रोप्रिएशन, तो मैं यहां लिख रहा हूं दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 5% से लगा रहा किसको किसको देना है? मोली, भोला और राज को। तो कोई बात नहीं, आइए सबके नाम लिखे जाएं, मोली, भोला और राज, यहां पर इन तीनों को हम लोग दे देंगे फटाफट कितने कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आइए देखते हैं इनके कैपिटल कितने हैं। कैपिटल बच्चे जो मोली का दे रहा है, आप देख सकते हैं मोली का है 5 लाख, भोला का है 8 लाख और राज का है 4 लाख। आप देख सकते हैं जहां से पैराग्राफ स्टार्ट है सेकंड, वहां पर दिया हुआ है। सिंपल है, 5% से हम लोग रेट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे मोली का, 5 लाख कैपिटल है, इनटू 5% करेंगे बच्चे, और आ गया ये 25,000। तो मोली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया दैट इज 25,000। जो चीजें बिल्कुल आसान है उसके वर्किंग्स करने की जरूरत नहीं होती एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद इसी तरीके से अब जब भोला का निकालेंगे तो 8 लाख के ऊपर आप 5% लगाएंगे बच्चे, और इसका आ गया है 40,000। एकदम सिंपल है। और उसके बाद आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे वो राज का निकालेंगे। राज का जो टोटल कैपिटल बच्चे वो है 4 लाख, और 4 लाख पे आप लगाएंगे 5%, तो ये आ जाएगा 20,000। तो पहला काम तो हम लोगों ने यहाँ पर बड़े आसान ढंग से निपटा दिया। आप देख सकते हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी नहीं है। पहले जैसे कराया था बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पर कराया है आपको, तो सिंपल ढंग से आप लोगों ने यहाँ पर करके छोड़ दिया। ओके, चलिए सर अगले इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। और यहां पर दे रहा बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम। आप सबको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है बच्चे फर्म के लिए इनकम। तो ये तो आपको पता चल गया है कि ड्रॉइंग जो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा वो इधर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड होगा। मैं थोड़ा जगह छोड़ दे रहा हूं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से घटेगा, इसलिए मैं जगह छोड़ देता हूं वहां पर। यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी तक कुछ भी ऐसा नया नहीं किया गया इस क्वेश्चन के अंदर जो देख करके आपको तकलीफ दे रहा हो, बिल्कुल सिंपल सिंपल से एडजस्टमेंट है बच्चे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए बच्चे हम लोग आएंगे और सबसे नीचे देखेंगे, लास्ट में सबसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आखिरी पैराग्राफ के अंदर, जिसमें बता रहा है भोला पर मंथ 5,000 विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ।
इसी प्रकार से मौली भी कर रही है और इसी प्रकार से यहां पर राज भी कर रहे हैं, कोई मंथ के एंड में कर रहा है, कोई क्वार्टर के एंड में कर रहा है, कोई हाफ ईयर के एंड में कर रहा है, इसलिए सबके कैलकुलेशन हम लोग अलग अलग ढंग से करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी आज आपका रिवीजन होने वाला बच्चे, मैं यहां पर वर्किंग्स बना रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वर्किंग नोट वन, और ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपको पहले ही आता है। मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं जो आपको मैंने सिखाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशंस में, और यहां पर एवरेज पीरियड मेथड लगेगा क्योंकि यहां पर एंड ऑफ मंथ, बिगनिंग ऑफ मंथ याद आता हो आपको, एंड ऑफ क्वार्टर, ये सारी चीजों में हम लोग एवरेज पीरियड फॉलो करते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो बनेगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा हमारा यहां पर, सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग्स, आप टोटल ड्रॉइंग्स ले लेंगे और उसके बाद से इनटू रेट बाई 100, ये सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी। और उसके बाद से बच्चे मैंने यहां पर आपको लिखाया था एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई मंथ है, तो यहां पर हम लोग 12 लगा करके चल सकते हैं, यही किया था हम लोगों ने। तो सबसे पहला डिटेल यहां पर दे रहा है बच्चे भोला का, और सबसे पहले भोला का डिटेल दे रहा है विड्रॉल का, तो हम लोग भोला का कर लेते हैं और उसी क्रम में हम लोग भरेंगे। ये नहीं कि मोली का नाम पहले लिखा है तो डिटेल भी मोली का ही सारा देगा, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं, मोली भोला राज में, लेकिन डिटेल जो विड्रॉवल का दिया आप देख सकते हैं, पहले भोला का दिया फिर मोली का दिया और फिर राज का दिया, तो आप किसी का भी कैलकुलेट कर लीजिए, सही जगह सही फिगर ले जाकर के भरिएगा। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले के ऊपर बच्चे हम लोग जो निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भोला का डिटेल पहले दिया तो हम भोला का ही निकाल ले रहे हैं। भोला का टोटल ड्रॉइंग कितना होगा, भोला विड्रॉ कर रहा है बच्चे हर महीने के अंत में 5,000 रुपए, तो आप बताइए पूरे साल में 5,000 अगर पर मंथ है, भले ही महीने के अंत में है, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो गया 60,000, तो भोला का आ गया बच्चे यहां पर 60,000 12 महीने के अंदर, प्रति माह वो 5,000 विड्रॉ कर रहा था। ओके, उसके बाद रेट यहां पर दे रहा है यहां पर 12%, 12/100, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे। और इसके बाद जो अगली चीज आ रही है एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, तो आप कर ही दोगे। अब एवरेज पीरियड आपको फिर मैं क्विक रिकैप करा दूं जो आपको सिखाया था इस बहुत सारे पिछले क्लासेस के अंदर, उसको मैं कर दूं। सबसे पहले फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, क्योंकि पहला ड्राइंग भी पहले मंथ के आखिर में हुआ है, तो पहला मंथ बिक चुका है, यानी कितने महीने बचे हैं फर्स्ट ड्राइंग के बाद, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 महीने, और आखिरी ड्राइंग 12वें महीने के अंत में होगा, तो कोई समय नहीं बचा, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कुछ भी नहीं बचा, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और यह आ जाएगा बच्चे अपना 5.5, और यहां पर ला करके हम लोग यही 5.5 भर देंगे और भोला का हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। जिन भी बच्चों को ये जादू लगा कि सर ये कौन सी जादू से कर दिए, वो जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेक्चर देखे, उन्हें भी ये जादू आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा जादू, आप भी सीख सकते हैं। चलिए ये कैलकुलेशन सब हम लोग कर रहे हैं, तो 60,000 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, और ये आ गया बच्चे 3,300 है इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल एकदम। तो यहाँ 3,300 लिख भी देंगे और हम लोग हाईलाइट भी कर लेंगे ताकि जब हम इसे भरे वहां पर ऊपर पीएनएल अप्रोप्रिएशंस में तो डाटा बिल्कुल अपने पास आसानी से मिल जाए। ओके, चलिए भोला जी आपका निकल गया, भोला पे ब्याज निकाल दिया हम लोगों ने। अब सेकंड नंबर पे बच्चे हम लोग जो ब्याज निकालने जा रहे हैं, क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं आखिर में मोली का दिया हुआ है, तो चलिए मोली जी आपका भी हम लोग निकाल लें, नाम से तो लड़की लग रही है इसलिए मोली जी चलिए आपका भी निकाल लेते हैं हम लोग। और यहां पर इनके ड्रॉइंग्स बोल रहा है बच्चे मोली ने 10,000 ईच क्वार्टर पे विड्रॉ किया। आपको पता है साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो मोली ने 4 बार विड्रॉल किया होगा 10,000, तो टोटल ड्राइंग कितने हो गए इनके 40,000, सिंपल। और इसके बाद रेट इनका भी आएगा बच्चे 12/100, रेट तो इनका यही है डिवाइडेड बाई 12 तो होगा, लेकिन अब मोली का एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा हमें, एवरेज पीरियड। अब क्योंकि मोली ने पहला ड्राइंग जो किया होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर किया होगा, फर्स्ट क्वार्टर बीतने का मतलब क्या है बच्चे, पहला एंड फर्स्ट क्वार्टर, पहला क्वार्टर का एंड हो गया यानी कि 3 महीने निकल चुके हैं सर, तो 9 महीने बचे हैं, यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद 9 महीने बचे हैं और आखिरी ड्राइंग के बाद, क्योंकि वो भी क्वार्टर के एंड में होगा, तो 1 भी महीने नहीं बचे हैं, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये हो गया आपका 4.5, और यहां ला करके 4.5 भर देंगे हम लोग। ये वही जादू है जिसे मैं कह रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चैप्टर क्लास लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, पीछे अपलोडेड है वहां से डिटेल में पढ़िए। ओके, 4. अब हम लोग इसका निकाल दें फटाफट, 40,000 पर इंटू 12% और इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, और ये आ गया 1,800,
तो मोली का भी निकल गया यहां पर 1800। मैं डिस्क्रिप्शन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लिंक भी डाल दूंगा, जो चैप्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ाया था, चैप्टर तो यही था, उसका लिंक मैं डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाकर के आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लेक्चर्स देख सकते हैं जिन भी बच्चों को समस्या आएगी। ओके, चलिए अब हम लोग निकाल रहे हैं राज। नाम तो सुना ही होगा, ये डायलॉग तो आपको याद आता ही होगा, तो वही राज हैं और इनका हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। राज के लिए क्या डिटेल दे रहा है बच्चे? राज के लिए कह रहा है कि 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हाफ ईयर के एंड में इन्होंने विड्रॉ किया है। तो हाफ ईयर तो दो ही आएगा साल के अंदर, तो भैया राज आपका टोटल ड्रॉइंग कितना बन गया? दो बार आपने किया होगा, हाफ हाफ ईयर के एंड में कर रहे हो तो 40 और 40 दो बार करेंगे तो 80 हो जाएगा बच्चे। इनका टोटल ड्रॉइंग 80,000 हो गया, इंटू 12/100 तो रहेगा ही रहेगा और इंटू डिवाइडेड में 12 रहेगा। अब इनका निकालते हैं हम लोग एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड चलिए फटाफट बताएंगे बच्चे, इस बार आपको मौका दे रहा हूं मैं। एवरेज पीरियड क्या होगा? आपको पता है पहले हाफ ईयर के बाद, जो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6 महीने बीत चुके हैं तो कितना समय बचा? 6 मंथ्स। और आखिरी के बाद कोई भी नहीं, और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इनका आ गया 3 एवरेज पीरियड। ये 3 यहाँ हम लोग भर देंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। चलिए फटाफट देख रहे होंगे, बिल्कुल आसान है ये। मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब सिखा चुका हूँ, जहाँ मुझे लाना है वहाँ लेकर के चलूंगा। 96 × 3/12 और ये आ गया बच्चे आपका 2400। बड़ी मेहनत लगी और ये कैलकुलेशंस हम लोगों ने पूरा कर लिया। देखिए आइए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तीनों कैलकुलेशंस मैं आपको दिखा दूं एक पर एकदम। यहाँ आप देख सकते हैं एक फ्रेम के अंदर बच्चे सारे, ये है टोटल ड्राइंग का कैलकुलेशंस जो बिल्कुल सिंपल है, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। तो चलिए अब देखिएगा, मोली का बीच में दिया, लेकिन हम लोग पहले मोली का भरेंगे, फिर भोला का और फिर राज का। तो 1800, 3300, 2400 ये ऊपर आकर के हम लोग यहाँ भर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, एकदम सिंपल तरीके से पीएनएल अप्रोप्रिएशंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आएंगे बच्चे। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोली, भोला और राज। मोली का है 1800, भोला का है 3300 और राज का है बच्चे 2400। चलिए कैलकुलेशंस वाले काम हम लोग लास्ट में कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख दिया सर। अब देख सकते हैं कितनी पोस्टिंग हम लोगों ने कर दी अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशंस में, अभी तक वो सिंपल सिंपल सी चीजें हम लोगों ने पोस्ट कर दी है। ओके, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो हम लोग भर दें। आप आकर के यहां पर देख सकते हैं बच्चे, यहां पर कह रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो कितना दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, 3,06,000। लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन में, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है तो आपको पता है कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी है, जो कि आपको पता है एक चार्ज है। तो ये तो आप घटाओगे ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये तो हमने कई बार सीखा है। और कितना इंटरेस्ट है आप आकर के पढ़ सकते हैं नीचे क्वेश्चंस में, देखिए डिटेल दे रहा है सेकंड पैराग्राफ में। ऑन 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ 1,00,000 रुपीज टू द फॉर्म, 1,00,000 का दिया है और 1 अप्रैल को ही दिया है। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है बच्चे पार्टनर्स लोन, वो आकर के ऊपर क्वेश्चन में देखिए तीसरे नंबर में साफ बोल रहा है 6% से हो रहा है। तो निकाल देंगे हम लोग 1,00,000 पर अगर आप 6% लगाएंगे बच्चे तो 6% हो जाएगा आपका 6,000। इसीलिए 3,06,000 का यहां मुझे लगता है प्रॉफिट दिया, ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो। यहां पर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का भी काम कर लिया और यहां पर हमने घटा दिया, ये आ गया प्रॉफिट बच्चे हमारा 3,00,000। तो तीनों ट्रीटमेंट ऊपर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये तीनों एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी क्वेश्चंस में। अब देखिए फोर्थ नंबर वाले पॉइंट में क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। मोली को 4,000 रुपए का एक एनुअल सैलरी मिल रहा है, आपको पता है वो भी अप्रोप्रिएशंस है। तो आइए मोली आप में हम लोग लिख दे 2 सैलरी और मोली के नाम पर यहां पर चला जाएगा कितना 4,000। तो 4,000 मोली के नाम पर हम लोगों ने यहां पर पोस्ट कर दिया, सिंपल था एकदम। उसके बाद से बच्चे कह रहा है, यहां पर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, उसके बाद से कह रहा है भोला वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10%, एक कमीशन मिलना है। लेकिन फिर जैसे कमीशन आता है आपके दिमाग में आएगा आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर और बिफोर वाला प्रॉफिट कौन सा वाला प्रॉफिट है बच्चे? यहां कुछ नहीं, बहुत आसान कर दिया। देखिए क्या कह रहा है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट एज सोन बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कह रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला प्रॉफिट वहां से निकल करके आता है उस पर 10% लगा दो। आप मुझे बताओ क्या ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल करके आने वाला प्रॉफिट, ये जो पीले कलर से हाईलाइट किया मैंने वही है कि नहीं? यही तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल करके आ रहा है। तो 3,00,000 पर सीधे आप कमीशन दे दो
भोला को 10% से, तो एकदम आसान अप्रोप्रिएशन, यानी ये टफ भी नहीं बनाया, तो टू कमीशन कर लेंगे बच्चे हम लोग, और भोला को दे देंगे हम लोग कितना सीधे 3 लाख पर आसानी से 10%, कह रहा है क्वेश्चन के अंदर 10% निकालिए और ये हो गया 30,000, बस खत्म। यानी ये भी पोस्टिंग हम लोगों ने कर, देख रहे होंगे एकदम साधारण साधारण से पोस्टिंग है, अभी तक तो गारंटी का कोई पॉइंट आया भी नहीं है। ओके, ये सारी चीजें हो गई बच्चे, और उसके बाद से यहां पर अब गारंटी के अंदर हम लोग आएंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस में पोस्टिंग सारी कर दी, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है जिसकी पोस्टिंग न की गई हो। अब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, और सबसे पहले जैसे नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट बांटते थे बच्चे, वो प्रॉफिट हम लोग बांट देंगे। तो चलिए प्रॉफिट निकालते हैं, और प्रॉफिट निकालने से पहले सबसे पहले टोटलिंग कर लीजिए, जो जो टोटलिंग है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 25,000, ये टोटलिंग करके बाहर फाइनल कॉलम में लिख दें, 40,000 प्लस 20,000, तो ये आ गया आपका टोटल 85,000 बच्चे, ये आप लिख दें यहाँ पर फाइनल कॉलम में, ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। और इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी पूरा कर ले हम लोग, 1800 प्लस 3300 प्लस 2400, और ये टोटल जोड़ करके आ गया 7500 यहाँ पर, तो एकदम सिंपल है। अब आप टोटल करें प्रॉफिट निकालते वक्त, तो आप देख सकते हैं बच्चे हमारा जो क्रेडिट साइड है वो है 3 लाख प्लस 7500, तो 3 लाख प्लस 7500, तो टोटल आ गया 307,500। अब इसके अंदर से हम लोग डेबिट साइड वाले टोटलिंग माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, तो मैं फटाफट माइनस कर दूं, 85,000 माइनस 4,000 माइनस 30,000, और जो प्रॉफिट आ रहा है बच्चे वो है 188,500, जो प्रॉफिट है टोटल वो आ रहा है 188,500, तो आप फटाफट लिख लेंगे 188,500। 188,500 जो प्रॉफिट आई है स्टूडेंट, हम लोग बांट देंगे मोली, भोला और राज में, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है, तो इसमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग सिंपल ढंग से, जैसे हम लोग पहले किया करते थे। ओके, आइए इस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर कर दूं यहां पर, ये हम लोग को पता चल गया, मैं शॉर्ट में इस बार लिख दे रहा हूं, जगह कम है मेरे पास इसलिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ट्रांसफर टू एम्स करंट अकाउंट, यहां पर मैं लिख दूं 20 भोला के लिए 20 करंट अकाउंट, और यहां पर लिख दे रहा हूं राज करंट अकाउंट। ओके, अब पूरी प्रॉफिट हम लोग को पता है कितनी है, 188,500, और यहां पर जो रेशियोज है आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में आकर के, वो है 3:3:4, यानी 3:3:6 और 4:10, तो इनके लिए हम लोग करेंगे 3/10, और 188,500 यहां पर भी हम लोग करेंगे बच्चे 3/10, और राज के लिए हम लोग करेंगे 188,500 × 4/10, यहां पर आप सिंपल देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल तरीके से आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था वही है यहां पर। तो चलिए फटाफट बता दीजिए मोली के खाते में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पर है 188,500 × 3/10, और ये आ गया बच्चे 56,550, यहां होगा प्रॉफिट 56,550, इतना ही भोला का भी है, तो 56,550, और जो यहां पर राज का आएगा 188,500 × 4/10, और इनका आ रहा बच्चे 75,400, एकदम मैं अंडरलाइन कर लो एक बार फिर से इसे, दिस वन, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको आज तक सिखाते आया हूं वही हुआ है, यहां पर कुछ नया नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर कुछ भी नया नहीं हुआ है। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को यहां तक समझने के लिए। अब फिर से अभी एक फ्रेम में देख लीजिए, पूरा का पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है वो यही है बच्चे जो आज तक आप सीखते आए हो। अब गारंटी वाली पॉइंट को हम लोग इसके अंदर डालेंगे, मिल तो गया सबको प्रॉफिट, अब आपको लगेगा आज की क्लास जो सिखानी थी वो यही है कि यहां पर जो राज को मिला है बच्चे प्रॉफिट, वो आप देख सकते हो कितना मिल रहा है 75,400। आप राज की प्रॉफिट देखिए यहां पर सबसे लास्ट में जो दे रहा है 75,400, लेकिन वादा कितना किया था राज को, आ करके देख रहे हैं हम लोग यहां पर वादा, और यहां पर आप देख सकते हैं चौथे नंबर पॉइंट पर जहां पर कह रहा है राज वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कह रहा है कि 1,50,000 उनको मिलना चाहिए, और मिला कितना है
75,400 निश्चित तौर पे डेफिशिएंसी आ गई। तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और फिर इसी डेफिशिएंसी को हम लोग बांटेंगे, कैसे मोली और भोला कंपनसेट करेंगे। तो आइए नीचे में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी निकालते हैं और फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को भी करेंगे। तो वर्किंग नोट हम लोग यहां पर टू कर रहे हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी, और किसके लिए निकाल रहे बच्चे, राज के लिए, राज के लिए। तो राज का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चंस के अंदर दे रहा है, दैट इज 75,400 दिस इज। और इनके गारंटेड प्रॉफिट कितने हैं, जो क्वेश्चंस में इनको वादा किया गया था वो प्रॉफिट का वादा था बच्चे 1.5 लाख का। तो ये रहा इनका 1.5 लाख, यानी कमी हो गई, कितने की कमी हो गई आप कैलकुलेट कर ले फटाफट। दैट इज अगर हम लोग देखें तो माइनस करें 1.5 लाख में से 75,400, और इनको कमी आ गई बच्चे 74,600 की, यानी 74,600। ये देख सकते हैं ये इनकी कमी है, ये इनकी डेफिशिएंसी है जो आ रही है यहाँ पर। अब इसी डेफिशिएंसी को मोली और भोला के बीच में बटना है, और यहीं से आज के क्लास का जो कंसेप्ट है बच्चे वो सीखना है। दिस इज ये मोली और भोला में चला जाएगा, मोली और भोला में पहले मोली है और फिर भोला है, ये दोनों बियर करेंगे, ये अपने कैपिटल से कटवाएंगे, किसके लिए, राज के लिए। ओके, अब क्वेश्चंस में क्योंकि कोई रेशियो नहीं दिया है कि ये किस रेशियो में अपने कैपिटल से कटवाएंगे, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो इनके बीच में मोली और भोला के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में कर दो सर, सिंपल बात है उसी में कर दो। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोली भोला और राज का क्वेश्चंस के अंदर जो रेशियोज दे रहा है सबसे पहले ही लाइन में दिया हुआ है, वो कह रहा है बच्चे 3:3:4। तो आपको पता है कि आपको राज से तो कोई लेना देना नहीं है, हमें मोली और भोला के बीच में ये बांटना है। तो मोली और भोला के बीच में जब आप बांटेंगे तो रेशियो बनता है 3:3। तो हम लोग इसे भी 74,600 को जो डेफिशिएंसी है वो भरपाई करेंगे मोली और भोला 3:3, या इनडायरेक्टली कह लीजिए बच्चे 1:1। तो वही काम हम लोग यहां पर कर देंगे। तो आइए नीचे में मैं डिस्ट्रीब्यूशन करा दूं इसी डेफिशिएंसी का, वर्किंग नोट 3 में, वर्किंग नोट 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी इस क्वेश्चन के अंदर। और यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूट करा दूंगा मोली और भोला के बीच में। आपको पता है टोटल जो डेफिशिएंसी आई वो 74,600 की आई है, और दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो 3:3 का, तो 3/6 भी कर सकते हैं या 1:1 मानते हुए बराबर, क्योंकि 3:3 बराबर ही है, तो 1/2 कर दे, जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है वो 3/6 और 3/6 भी कर सकते हैं। तो 74,600 इंटू 1/2 यह आ गया बच्चे 37,300, यानी 37,300, यहां भी आएगा 37,300। कैलकुलेशंस आप अपने आप से भी चेक कर सकते हैं, 37,300। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो डेफिशिएंसी की हुई है मोली के खाते से कटेगा आपका 37,300, और भोला के भी कैपिटल से कटेगा 37,300, और ये टोटल 74,600 बच्चे जो जाकर के जुड़ जाएगा किसके अंदर, आप पूरा देख सकते हैं कैलकुलेशंस ऑफ डेफिशिएंसी से लेकर के इनके डिस्ट्रीब्यूशन, ये 74,600 भरपाई किसको मिल जाएगी, राज को मिल जाएगी, क्योंकि इनका वादा था। तो आइए क्वेश्चंस के अंदर हम लोग यहाँ फटाफट भर दें। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक फ्रेम में देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन आप एक फ्रेम में देख लीजिए, फिर मैं वो एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ। तो ये आपने देख लिया, और यहाँ से अब आकर के मैं आपको एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ला करके मैं रेड कलर से कर रहा हूं ताकि आपको दिखे यहां एडजस्टमेंट, प्लस कर दिया मैंने यहां पर 74,600, यहां पर 1.5 लाख पूरा, बस नीचे में हम लोग टोटल कर देंगे जो आपको आता ही है टोटल करना। ओके, और इन दोनों के खाते से आपको पता है बच्चे मूली के खाते से कटेगा 37,300, और यहां से भी कटेगा 37,300। अब इनके टोटलिंग कर लेते हैं, और यहां पर है 56550 माइनस 37,300, और ये आ रहा है 19250, इनका भी सेम है तो 19250। ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये था आपका डेफिशिएंसी बांटने के बाद का एक्चुअल प्रॉफिट। अब पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आप एक फ्रेम में देखें, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशंस आपके सामने मौजूद है एक फ्रेम में, ये देखिए।
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विथ गारंटी। इसके लिए क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले स्टेप मैं फॉलो कराते चलूंगा, टिक करते चलूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने सर फॉलो किया, ग्रीन कलर से टिक करेंगे सर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन नॉर्मल तरीके से बनाया, प्रॉफिट नॉर्मल तरीके से बांटा। प्रॉफिट बांटने के बाद हमने चेक किया कि जिसको वादा किया था क्या उनमें कोई डेफिशिएंसी आई, तो यहां पर हम लोगों ने डेफिशिएंसी प्राप्त किया। डेफिशिएंसी के बाद जिन पार्टनर्स ने वादा किया था, क्योंकि क्वेश्चन में कोई बताया नहीं था कि किस पार्टनर्स ने वादा किया, तो हमने मान लिया कि दोनों पार्टनर ने वादा किया है, और फिर ये डेफिशिएंसी उनके दिए हुए रेशियो में बांट दिया। अगर क्वेश्चन कोई और रेशियो बोलता बांटने का, जो कि अभी हम लोग एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो उस रेशियो में बांट देते, कुछ नहीं बोला तो हमने यहां पर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में ही बांट दिया, खत्म, एकदम सिंपल। उम्मीद है बच्चे अब आपको ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कई सारे कंसेप्ट आपके प्रैक्टिस में हो गए। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिवाइज हो गया बच्चे, यहां पर आपका पार्टनर्स लोन रिवाइज हो गया, हर चीज रिवाइज करा दिया इस क्वेश्चन ने आपके लिए। स्टूडेंट आप अगर एंट्री करना चाहे तो आप कर सकते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मोनीस करेंट अकाउंट, भोलास करेंट अकाउंट, राज करेंट अकाउंट, क्योंकि करेक्ट प्रॉफिट आपके पास है और एंट्री करना मैंने आपको सिखाई दिया। इसके बाद बनाना है आपको करेंट अकाउंट, जो कि आपके होमवर्क का पार्ट है बच्चे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं। नॉर्मल तरीके से जैसे करेंट अकाउंट बनाते थे उसी तरीके से आप करेंट अकाउंट बना देंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन अब डिस्कस करा रहा हूं, जिसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि वहां डेफिशिएंसी होने के केस में दो पार्टनर का वो रेशियो भी क्वेश्चन बताएगा कि किस रेशियो में वो दोनों डेफिशिएंसी बियर करेंगे, और वो क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में चला जाएगा इस क्वेश्चन के साथ साथ। तो चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग 73 के बाद। अब मैं यहां लेकर के आ रहा हूं बच्चे, यहां पर 73 से पहले आपके पास एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 70। ये दोनों ही होमवर्क में जाएंगे, लेकिन 70 में पढ़ करके आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसान साधारण सा सवाल है और आसान सवाल है। कह रहा है यहां पर ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है। ओके, सी इज गिवन गारंटी दैट हिज शेयर। अच्छा, कई बच्चे इंग्लिश पढ़ने में भी धोखा खा जाते हैं, यहां पर कह रहा है सी इज गिवन गारंटी, तो कई बच्चे कहते हैं सी ने दिया, नहीं, सी इज गिवन पैसिव वॉइस है, सी को मिला है, या मैं हिंदी में लिख भी दे रहा हूं, को मिला है, सी को मिला है। मेरी इंग्लिश कमजोर थी तो मैं तो यही गलती से समझ लेता था, इसलिए वो आप मेरे जैसे ही स्टूडेंट आप होगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया यहां पर। ओके, उसके बाद यहां पर आने के बाद कह रहा है कि क्या गारंटी मिली है कि गिवन ईयर वुड बी 5000, इनकी प्रॉफिट बच्चे जो गारंटी मिली है वो कह रहा है कि इनका प्रॉफिट 5000 कम से कम होगा। ठीक है, यहां सर कुछ नया नहीं है, लेकिन यहां पढ़ेंगे, कह रहा है डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो बी बॉर्न बाई सहा जाएगा ए एंड बी इक्वली। बस यही तो मुझे समझाना था कि ये जो है यहां पर वो इक्वली बियर होगा। इस बार क्वेश्चंस के अंदर डेफिशिएंसी को बियर करने का रेशियो दे रहा बच्चे, ध्यान से देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 70 के अंदर कहा कि दोनों इस रेशियो में बियर करोगे, यानी इस बार आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में नहीं बियर कराएंगे, यानी 5:4 में या कोई भी रेशियोज में आप नहीं बियर कराएंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में, किस रेशियोज में कराएंगे, इक्वली। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी को बियर करने का यहां पर क्लियर तरीके से अलग से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो यही हम लोगों ने नोटिंग करी थी बच्चे, उम्मीद है अब आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये 70 भी आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 73 भी आपका होमवर्क है, क्योंकि 73 जो मैं कराता हूँ वो तो होमवर्क में जाता ही जाता है। तो आइए होमवर्क की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाए। यहाँ पर मैं लिख दूँ आज का आपका होमवर्क है नंबर 70 एंड 73, ये आप करेंगे, इसे रिवाइज करेंगे, और हम लोग गारंटी के दो केस कर चुके हैं, अभी गारंटी के दो केस और बचे हुए हैं, उसके बाद ही गारंटी का टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नए क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ, ये कंटिन्यू हम लोगों ने जो क्लासेस की दो केसेस की, आपको मे भी दो पार्ट में प्ले किया गया होगा यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ये दोनों क्लास हम लोगों ने लगातार की है ताकि आपको समझा सके। तो दो केस कवर हो चुका है, थर्ड केस के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। जिन बच्चों को रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, 31 मार्च आखिरी तारीख है, वहां पर वो रेगुलर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मिलते हैं नए क्लास के साथ नए टॉपिक के साथ नई क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय।